हम डीआईजी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग का वो सिर्फ सपोर्ट करें, हम लोग किसी भी तरह के आर्थिक संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे, जो हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देंगे, कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगा, सिर्फ वो एक तरह सपोर्ट करें क्योंकि हम आप मेरे सीनियर हैं और आप ही के जैसा हम भविष्य में बनना चाहते हैं। नहीं किया जाता है। अच्छा। उसका ओएमआर सीट जारी जो हम लोग को दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, उसका कार्बन कॉपी हम लोग को मिले, उसका कटअप जारी हो, और बीपीएससी में जिस तरह से ई ऑप्शन डाला गया, हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि बच्चे इस ऑप्शन में फंसे और हम लोग बाहर हो जाएं, जिससे बीपीएससी होता है ई ऑप्शन हटना चाहिए, ई ऑप्शन और जितना भी एग्जामिनेशन है सबका सीबीआई जांच होना चाहिए। ओनली आई कैन से दैट ऑल एग्जामिनेशन इज चेक्ड बाय सीबीआई। तो जितने भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर और अन्य तमाम 11 मांगों को लेकर आज बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, वो पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं और अन्य भी कोई लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे? मैं निखिल कुमार, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ ये एग्जाम बीपीएससी के लिए नहीं हो रही और एसआई के लिए नहीं हो रही, हमारे जितने भी कोर्सेज है जैसे ग्रेजुएशन हो गया आपका, एमए हो गया, वो आपका तीन साल का जो ग्रेजुएशन है 5 साल में कंप्लीट करवा रहे हैं और उसके बाद 2 साल का जो एमए हो रहा है वो 5 साल में 4 साल पेंडिंग पड़ा है वो आप नहीं करवा रहे हैं। तो आप एजुकेशन को आप बोलते हैं कि बढ़ावा देंगे, एजुकेशन में ये लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, बढ़ावा, तो वो कहाँ है आपका? सब उससे बड़ी बात हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारा नियुक्ति करवा रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट से क्यों करवा रहे हैं? चार साल नौकरी करेंगे और घर बैठे कहाँ खाएंगे वो? अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बहाली बंद होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बहाली बंद होनी चाहिए। सबसे उससे बड़ी बात हमारा ये है कि जो हम घर पे बैठे हुए 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल के बाद वो पीटी में से निकलता है तो उसका आप फाइनल रिजल्ट बना देते 4 साल कर देते हैं, वो कहाँ से आप हम क्या करेंगे? गार्जियन, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं तो हम लोग गार्जियन एक लिमिटेड पैसा देते हैं ना, उसमें हम लोग 4 साल बैठे फाइट करते हैं और कोई पैसा देकर ज्वाइनिंग कर लेता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पटना में जो हम इतना दिन से बैठ के पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसका फाइनल रिजल्ट बनाने में 4 साल, उसके बाद मालूम चला रिजल्ट आया, मेरिट बना, तो कोई पैसा देकर 2 साल पहले ग्रेजुएशन कर ले है, वो ज्वाइनिंग कर ले है। अच्छा। आता नाम ना बगी अधर के तीर मार रहे हैं, ये सब गलत बात है। तो इस तरह की तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिहार के जो अभ्यर्थी है, छात्र, युवा, वो सड़कों पर उतर चुके हैं। ये कारवा जो है अब ये मुसलमपुर हाट की तरफ बढ़ चुका है और वहां से ये भिखना पहाड़ी होते हुए ये जाएगा कारगिल चौक, गांधी मैदान, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव भी ये युवा आज करने वाले हैं। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं, हम डीआईजी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग का वो सिर्फ सपोर्ट करें, हम लोग किसी भी तरह के आर्थिक संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे, जो हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देंगे, कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगा, सिर्फ वो एक तरह सपोर्ट करें क्योंकि हम आप मेरे सीनियर हैं और आप ही के जैसा हम भविष्य में बनना चाहते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग गांधी जी के मार्गों पर चलने वाले हैं, हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। मैं नीतीश कुमार जी से यही आग्रह करता हूँ कि नीतीश कुमार जी, हम लोग भी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ मुख्यमंत्री है, वो जो हम ही लोग के द्वारा चुने हुए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि बिहार की तमाम जो भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें धांधली होती है व्यापक स्तर पर, उसमें सुधार ला। इसमें क्या है, हम लोग तो कोई नौकरी या पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि धांधली बंद हो, जिससे कि जो भी पटना में खासकर जो गरीब इलाके का अधिकांशतः लड़का आता है, गाँव देहात से पढ़ने आता है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? 10 लाख 20 लाख रुपया कहाँ से आएगा? आपको क्या लगता है सरकार धांधली पे रोक लगाने में असफल है, सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, क्यों नहीं कराना? बिल्कुल, चूंकि उनके सत्ता के जो सत्ता के कुछ आदमी सब उसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए वो नहीं करवाना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार जी को अंधकार में रख कर वो सारे काम कर रहे हैं। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग को कोई भी एग्जाम हो उसके पारदर्शिता ला, हम लोग आपसे पैसा और नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो इतना ही मांग रहे हैं कि बिहार का जो भी एग्जाम उसका वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, बिहार का जो भी एग्जाम होता है उसका कार्बन कॉपी दिया जाए, जब बीपीएससी क्वेश्चन ले जाने के लिए लाऊ है तो आखिर बीपीएससी आयोग क्यों नहीं करती है, बिहार पुलिस क्यों नहीं करती है? आज बिहार पुलिस के जो अध्यक्ष है, केस चेयरमैन है, जो केस दिए थी वो भी जब धांधली के बारे में एक्सेप्ट किया है कि बिहार पुलिस में धांधली हुआ व्यापक स्तर पर, तो हम लोग तो कोई उनसे जॉब नहीं मांग रहे हैं। हम ये तमाम मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो धांधली का है कि बिहार के
जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें धांधली होती है, और इस धांधली को खत्म करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए ये छात्रों का महाआंदोलन आज पटना के सड़कों पर हुजूम बनकर उभरा है। ये शंखनाद है, इनका कहना है कि ये शुरुआत है, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। नीतीश सरकार के खिलाफ इनकी आवाज़ उठ रही है, क्योंकि इनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोग भी अब इस धांधली के हिस्सा हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट लाइव बिहार आप तक इस छात्र महाआंदोलन का पहुंचाते रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।